फाइनली रियलमी ने अपने रियलमी C25 Y को इंडिया में लॉन्च कर दिया। और सबसे पहली बात, ये एक 4G स्मार्टफोन है, 5G स्मार्टफोन नहीं है, ये आप जरूर याद रखिए। इसका कीमत 12,000 से शुरू होता है, जिसमें 4GB रैम और 128GB स्टोरेज मिलता है। लुक इज गुड, मतलब देखने में काफी अच्छा लगता है। रियलमी C25 Y में 6.5 इंच की एक HD+ डिस्प्ले मिलती है, 5000mAh की बैटरी दी गई है और साथ में 18W का एक एडाप्टर चार्जर देखने के लिए मिलता है। यूनिसोक 6 110 प्रोसेसर मिलता है। ये जो प्रोसेसर है ये काफी अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन 12,000 में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये 10,000 के अंदर ही अच्छा हो सकता था, जो कि नहीं है। और पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 50 MP का मेन कैमरा दिया गया है। अब आप लोग सोचेंगे कि 50 MP का है तो बहुत अच्छा फोटो वीडियो निकाल कर देगा, बहुत ज्यादा ही सेंसर जो है अच्छा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। शायद आप लोगों को पहले से पता होगा कि 12,000-13,000 के आसपास जो है 48 MP का सेंसर देखने के लिए मिल जाता है, तो बस वही 2 MP को बढ़ाकर 50 MP कर दिया गया है। और इसमें कुछ भी खास नहीं है, आप 48 MP से फोटो निकालिए या 50 MP से फोटो निकालिए, बात बराबर है। फाइनल बात ये है कि ये स्मार्टफोन को 12,000 में खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ये तो फाइनल बात है ही, मतलब कि ये आपका जवाब है, सॉरी आपका सवाल है कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए 12,000 में, तो नहीं लेना चाहिए। अब आप लोग बोलेंगे क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रियलमी C25 Y में जो फीचर मिलता है वो 12,000 के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। 12,000 में इससे अच्छा प्रोसेसर आपको मिल जाता है, इससे अच्छा कैमरा सेटअप भी मिलता है, इससे अच्छा बैटरी बैकअप भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो अच्छा देखने के लिए मिलता है 12,000 के ऊपर, जो कि रियलमी C25 Y अभी हम 5G बोलने वाले थे, बट 5G नहीं है दोस्तों। रियलमी सी सीरीज जो है ये सच में एक चुप सीरीज है, 10 स्मार्टफोन इस सीरीज में लॉन्च होता है, लेकिन 10 में से एक ही स्मार्टफोन जो है वो अच्छा निकल कर आता है, मतलब कि अच्छा होता है। जैसे रियलमी C11, रियलमी C12, ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन था, बट रियलमी C25 जो है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इस प्राइस पॉइंट पर, इसलिए मैं आपको रियलमी C25 Y को नहीं लेने के लिए बोलूँगा। अगर आपको एक स्मार्टफोन लेना ही 12,500 के आसपास या 12,000 में, तो मैं आपको बता देता हूँ, Poco M3 को ले सकते हैं, वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और कैमरा भी उसका काफ़ी अच्छा है, बैटरी बैकअप अच्छा है, प्रोसेसर अच्छा है, सब कुछ अच्छा मिल जाता है। और सैमसंग का भी स्मार्टफोन है, सैमसंग F12, और भी स्मार्टफोन है, रुको नाम भुला गया हम थोड़ा, सर मैंने सब कुछ लिख के रखा है पहले से। तीसरा है रियलमी Narzo 30A, जो कि 9,000 के आसपास देखने के लिए मिलता है, उसमें अच्छी डिस्प्ले है, अच्छी कैमरा सेटअप मिलता है, अच्छा प्रोसेसर दिया गया, और उस प्राइस पॉइंट पर रियलमी Narzo 30A जो है ये एक गेमिंग स्मार्टफोन है। तो अगर आप 10,000 के अंदर भी चाहते हैं एक अच्छा सा स्मार्टफोन, तो रियलमी Narzo 30A जो है ये काफ़ी अच्छा है। और फिर 11,000 के आसपास जो है और एक स्मार्टफोन है, जिसका नाम है Infinix Note 10, इसमें जो है 48 MP पीछे और 16 की सेल्फी मिलती है, और जो रियलमी C25 Y जो है उसमें 8 की सेल्फी दी गई है, 8 MP, जिससे बिल्कुल भी अच्छा फोटो कभी निकल के आएगा ही नहीं। तो दोस्तों ये 4 स्मार्टफोन है जिसे आप 12,000 के आसपास खरीद सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, रियलमी C25 Y को बिल्कुल भी कोई मत लेना। हाँ पता है कोई ना कोई तो खरीद लेगा जरूर, अगर आप जाकर फ्लिपकार्ट पर चेक करेंगे तो वहाँ बहुत लोग जो है वो खरीद के फोटो भी छोड़ देंगे कि ये कैसा स्मार्टफोन है, बैटरी बैकअप कैसा है वो सब। ठीक है, बात करते हैं खत्म, और इस वीडियो को भी करते हैं खत्म। बस इस वीडियो में शायद आपको वीडियो अच्छी लगे, अच्छी लगे लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो कल के वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।